मध्य प्रदेश में एक बार फिर मॉनसून सक्रिय हो गया है, जिसके चलते प्रदेश में कहीं रिमझिम तो कहीं मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया है। ऐसा ही नजारा गुना जिले में देखने को मिल रहा है, जहां 24 घंटे से निरंतर जोरदार बारिश के कारण जहां नदी नाले उफान पर हैं, वहीं निचली बस्तियों में पानी भर जाने से लोग परेशान होते नजर आए। मध्य प्रदेश में एक बार फिर मॉनसून मेहरबान हो गया है और प्रदेश के जबलपुर, राजगढ़, गुना, देवास सहित कई जिलों में मूसलाधार बारिश अब आफत बनती जा रही है। वहीं बात करें गुना जिले की, तो पिछले 24 घंटे से लगातार एक धार में बारिश जारी है, जिससे जिले की विभिन्न तहसील स्तर पर और मुख्यालय पर बस्तियां जलमग्न होती देखी गई है, जहां बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। बारिश में रसीद कॉलोनी, श्रीराम कॉलोनी, बूढ़े बालाजी, कैंट, पुरानी छावनी, मातापुरा, पटेल नगर, निचला बाजार रपटा, कोल्हूपुरा, कर्नलगंज, पिपरोदा आदि निचली बस्तियों में पानी भरने से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त देखा गया। वहीं लगातार बारिश से गोपी कृष्ण सागर डैम का जलस्तर बढ़ने पर 4 गेट खोल दिए। हालांकि लगातार बारिश के चलते जिला प्रशासन की टीम और स्वयं प्रभारी कलेक्टर आदित्य सिंह लगातार हालातों का जायजा ले रहे हैं। गुना से जालम सिंह की रिपोर्ट।